नमस्कार दोस्तों, रंग भरी होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आपके सामने आज मैं फिर आया हूं 156-3 सीआरपीसी में ही एक छोटी सी जानकारी लेकर। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये जानकारी भी आपके लिए बहुत काम की है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फ्रेंड्स, जब भी 156-3 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र, मान लीजिए कोई भी पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता अपने अधिवक्ता के माध्यम से आन एफिडेविट यानी शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय से उसकी यही प्रार्थना होती है कि हाँ, संबंधित मामले में संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को FIR दर्ज करके विवेचना करने का आदेश जारी किया जाए। और अगर ग्राउंड होता है, पुलिस रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद न्यायालय आदेश कर देती है कि FIR दर्ज करके मामले में विवेचना की जाए। लेकिन क्या इस प्रक्रिया में जो भी आपके मान लीजिए साक्षीगण हैं, शिकायतकर्ता के जो भी साक्षीगण हैं या विटनेसेस हैं, क्या उनका भी शपथ पत्र पर बयान दिया जाता है 156-3 सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र के साथ में? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। 156-3 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र में जो भी आपके गवाह हैं, विटनेसेस हैं, उनका बयान कहीं भी देने की कोई प्रक्रिया नहीं है। मतलब जब भी आप 156-3 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देंगे तो केवल जो शिकायतकर्ता है या पीड़ित व्यक्ति है उसी का, या मान लीजिए पीड़ित ही शिकायतकर्ता, तो उसी का केवल आन एफिडेविट शपथ पत्र पर मात्र जो है प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ में प्रस्तुत करना होगा न्यायालय में। जो भी साक्षीगण या गवाह हैं उनका शपथ पत्र पर कोई भी बयान देने की आवश्यकता नहीं है। अन्य कोई अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है, चाहे वो मान लीजिए मेडिकल एविडेंस हो या कोई अनडॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, तो उनको आप उस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि जो 156-3 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, इसमें प्रेयर ही ये होती है कि FIR दर्ज करके मामले में अन्वेषण किया जाए। तो जब भी FIR अगर मान लीजिए आपकी दर्ज हो जाती है, तो 161 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी साक्षीगण हैं उनका बयान जो भी विवेचना अधिकारी होगा वो रिकॉर्ड करेगा। और अगर मान लीजिए कोई विक्टिम फीमेल है जिसके साथ कहीं रेप या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट होगी उसके समक्ष 164 सीआरपीसी का उस पीड़ित व्यक्ति का या पीड़ित महिला का बयान दर्ज ही कराया जाएगा। तो इसलिए कहीं भी आपको मतलब इसमें प्रावधान नहीं है कि आप जो भी प्रार्थना पत्र 156-3 सीआरपीसी में देते हैं उसमें जो भी आपके साक्षीगण हैं, गवाह हैं, उनको भी शपथ पत्र के साथ में प्रस्तुत करें। हाँ, अगर 190 सीआरपीसी में आपका मामला परिवाद के रूप में दर्ज हो जाता है, तो भले ही कंप्लेनेंट ने जो है एफिडेविट पर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन इसके साथ साथ जो भी उनके साक्षीगण हैं उनको भी प्रार्थना पत्र मतलब उनको भी एफिडेविट पर अपना साक्ष्य देना होगा और गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि 156-3 सीआरपीसी में जब भी प्रार्थना पत्र देते हैं तो केवल आपके पास जो डॉक्यूमेंट्री या मेडिकल एविडेंस हो उनको जरूर दें और आपका जो प्रार्थना पत्र है वो शपथ पत्र पर होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि अगर न्यायालय मान लीजिए आपका मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं करती है, तो 190 सीआरपीसी में जो भी आपके गवाह हैं उनकी एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी, उनके स्टेटमेंट कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड करवाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है और आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।